INDIA इंडिया, इस नाम को लेकर कुछ समय पहले देश में काफी विवाद हुआ था। विवाद होने के पीछे का कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अन्य 28 विपक्षीय पार्टियों के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार को हराने के लिए गठबंधन तैयार किया था, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। कल 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तिलमिला गई और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। बता दें, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। बैठक की अगुवाई बिहार के CM नीतीश कुमार ने की थी। बता दें, बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे और ये बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार के सामने विपक्ष को एक साथ लाने के लिए की गई थी। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कल आए चुनावी नतीजों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। इसके पहले मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक हुई थी। बैठक में गठबंधन ने 5 कमेटियों का गठन किया था, जिसमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल थी। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। माना जा रहा है कि 4 राज्यों के नतीजों का असर इंडिया गठबंधन के समीकरण पर कहीं ना कहीं पड़ा है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में भी तालमेल नहीं बैठा है। कल विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। इस बीच खड़गे ने लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन अब देखने लायक ये होगा क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा या मोदी सरकार को टक्कर देने में कामयाब हो जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।